मेरा पर्स लाना। अयो आई ये लीजिए, और जरा सावधानी से। अगर उन लोग को पता चल गई कि आप उनके लिए नहीं पुलिस के लिए काम करती है, कहीं वो आपके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। अरे चाची, अपन के चाचा के सामने कोई टिक सकता है क्या? चाचा भाई। बेटा, ये कोई चपरी गुंडा नहीं होती, उसका ड्रग्स का धंधा होती। आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाई, पर वो अपना ठिकाना बदलती रहती, और कोई उसके आड़े आए तो वो उसे खत्म, टाटा बाय गुड बाय गया कर देती। लेकिन आज वो पकड़ा जाएगा। 3 साल से उनके बीच रह रहा हूँ ताकि उसका भरोसा जीत सकूँ और पता लगा सकूँ कि वो कहाँ कहाँ ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। आज उसका कच्चा चिट्टा मेरे हाथ लगने वाला है। अच्छा चलता हूँ। संभल के। अयो दही शक्कर खाके जाना ना, खाके जाना ना। एक मिनट। अरे मोबाइल बात में, चंदन का कॉल है। एक मिनट। हेलो, हाँ घर पर ही हूँ। अरे दही शक्कर खाके जाना। क्या है वो सुधा, तुम भी ना। रुको एक मिनट, हो गया? हाँ। हेलो, हाँ ठीक है बेटा, रखता हूँ, चलो चलता हूँ। संभल के। अयो पप्पू, बाप जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कर लो। यकीन कर लो कि तुम सही हो, बोलो कैसे? कैसे कर लूं मैं तेरा यकीन साले गद्दार? ये सब क्या हो रहा है? हमारा बीच में एक गद्दार था जो हमारा जानकारी पुलिस तक दे रहा है। पबजी इसी की ले रहा है। साला जिस थाली में खाया पिया जो दम पट्टी किया उसी में हक दिया। बाप जी मैं निर्दोष हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। मौका मिलेगा तो क्या बताओगे, कैसे तुम गद्दार बन गए हो सनम। बाबजी 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 मेरी बात सुनो। शोर मत कर, साइलेंटली मर, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बी पॉजिटिव, देखो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, लेकिन आदमी कितना नेगेटिव। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। हेलो हेलो सर, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। उससे पता चल चुका है कि उनके बीच कोई पुलिस इन्फॉर्मर उनके साथ शामिल है। जी हाँ सर, सारा माल आ चुका है, आप फौरन टीम भेजिए, मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ आपको। वसुधा, वसुधा क्या है? आपके बारे में तो उसको पता तो नहीं चली ना? हाँ वो नहीं जानते हैं कि पुलिस इन्फॉर्मर मैं ही हूँ। पुलिस अब आती होगी। नमस्ते भाभी जी, आपको जानकर ये दुख होगा आपके पति परमेश्वर पकड़े गए। अब बताइए कितना भरोसा किया था हमने इन पर। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पर इनके चक्कर में मैंने अपना एक निर्दोष आदमी मार दिया। अब जब भरोसा तोड़ा है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए, नहीं? लेकिन आप टेंशन मत लो, कभी भी इनकी कमी महसूस हो तो आप मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। हैप्पी विधवा डे टू यू, हैप्पी विधवा डे टू। ये बीबी पॉजिटिव, साला ये पॉजिटिव लोग इतना नेगेटिव क्यों होते हैं बे? ए चलो रे, सब माल भर लो, हमें ठिकाना बदलना होगा अभी के अभी, चलो। पेट दबा, पेट दबा।
चाची जी दिल पक्की है ना? ठीक है, मेरे पांच टंका पक्का है। लेकिन कोई गड़बड़ निकली तो जानता है ना, ये हैवान तेरी गांड में हाथ डाल के तेरी अंतड़ियां बाहर निकाल देगा। ठीक है बाबूजी। बाबूजी रशियन बोलो, रात को 9 बजे आ जाए और 2 मंगाना और रेट 12,000 से ज्यादा मत लगाना। बाबूजी रशियन माफिया डील के सिलसिले में कॉल है। वो जो आज माल आने वाला है ना, उनका है कॉल। अरे ये तो आज तक की सबसे बड़ी डील है, और उनको बोलो शाम तक माल की डिलीवरी करते, और उनको यहाँ का खुफिया रास्ता भी बता देना। ठीक है बाबूजी, मैं आता हूँ। बाबूजी हमारा जो माल रशिया से आने वाला था वो पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है भोसड़ी के? पुलिस को कैसे पता चला इस सब के बारे में? जिन ट्रकों में माल आने वाला था वो रास्ता तो जंगल के बीच से होके निकलता है, और ये सिर्फ हमें पता है। इसका मतलब बाबजी हमारे बीच में कोई पुलिस का आदमी है। इसकी माँ का, ये रशियन माफिया मेरी कान मार देगी। डरने का नहीं बाबजी, उससे पहले पुलिस तेरे को खलास कर डालेगा। ढोकले अपुन का चाचा, जिसका 3 साल पहले तूने गेम बजा डाला। अपुन चाहता तो तेरे को बहुत पहले गौड़ के पास पार्सल कर देता, लेकिन चाचा का सपना था सबको तेरे ड्रग से बचाना, तो वही चप्पन ने किया। हैप्पी ना चाचा? तो अभी तेरे को मारने में अपुन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे, लेकिन मारेगा कैसे? ये देख गन, तू यहाँ आई इससे पहले ये गोली तेरे अंदर घुस के तेरे गुर्दे फेफड़े से बात करेगी, और साले तेरे तो मैं गांड में गोली मारूंगा, सारी एकड़ी निकल जाएगी। बाबजी अपुन की गन तो कब से तेरी खोपड़ी पे लटक रही है। कॉमेडी करता है मादर चोर। क्या कर रहा है गणा? पागल हो गया क्या? गणा नहीं, चंदन, कांस्टेबल चंदन। नहीं समझा? चलो सस्पेंस ओपन करते हैं। चंदन का कॉल आया, एक मिनट। हेलो चाचा, आप घर पर ही हो ना? हाँ घर पर ही हूँ। अरे दही शक्कर खा के जाना। क्या है वो सुधा, तुम भी ना वहीं रहना, क्योंकि बाबजी को पता चल गया है कि उनके बीच में कोई पुलिस का आदमी है, यहाँ मत आना। और उनको यहाँ का खुफिया रास्ता भी बता देना। ठीक है बाबूजी, मैं आता हूँ। हेलो साहेब, एक इन्फॉर्मेशन है। चाचा और चंदन दोनों पुलिस कांस्टेबल हैं। पुलिस लोगों ने दोनों को अपॉइंट किया था तेरे ऑपरेशन करने के लिए, स्टिंग ऑपरेशन। चाचा ने अपन तीनों अनाथ को फुटपाथ से उठा के घर दिया, प्यार दिया, और तूने उन्हें मारकर फिर से हमें अनाथ कर दिया। ए भाई,
अब ये लोग रोने लगेंगे, आंसू पोंछने पड़ेंगे। देख क्या रहा है, मार! गद्दारी करवे आग फोड़ दी जाए साला। अभी क्या यार गरबा खेल रहे हो? नवरात्रि कब की खत्म हो चुकी है, अभी इसको खत्म कर चल। पुलिस को आने दे, मुझे मारकर तू भी तो जेल ही जाएगा, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। आज तो तू सही बोल रहा है, लेकिन उसकी टेंशन तू मत ले। वो क्या कहा था तूने, गांड में गोली? ए घुमा रहे उसको, ऐसा मत कर, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और नेगेटिव और गड़ा और बदबूदार है, उसमें खाली खून नहीं है रे पप्पू, गांड में गोली मारी है। हाँ साहेब, हाँ अपन इधर पहुंच गए ले, लेकिन अपन लोग इधर पहुंचने से पहले इधर कुछ राड़ा हो चुका है। हाँ शायद माल वाल को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उनका, सालों ने आपस में एक दूसरे को गोली मार दी। हाँ इन सब में बस कांस्टेबल चंदन को भी एक गोली लगी है जी, वैसे कोई घबराने की बात तो नहीं है। हाँ आप अपनी टीम को भेज देना और कर लेना इनका पोस्टमार्टम जी, हम आ रहे हैं वापस जी साहब।